नमस्कार दोस्तों, अभिदय एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए, आज इतिहास के झरोखे में जिस चरित्र को मैंने उठाया है उनका नाम है सम्राट अशोक। इनको अशोका द ग्रेट भी कहा जाता है, अशोक महान भी कहा जाता है। आपको पता होगा कि भारतीय इतिहास में केवल दो लोगों को महान की संज्ञा दी जाती है, एक सम्राट अशोक और दूसरा शहंशाह अकबर। तो चलिए आज का वीडियो सम्राट अशोक पे हम लोग शुरू किया जाए। अशोक को महान क्या, उनके बस केवल राजनीतिक उपलब्धियों के लिए जो उन्होंने युद्ध विजय किया था या एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, केवल उसके लिए कहा जाता है, या उनके महानता की परिभाषा कुछ इसके अलावा भी है। तो आइए शुरू करते हैं। सम्राट अशोक ये मौर्य साम्राज्य से बिलोंग करते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक आप लोग को पता है चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार की पत्नी जो थी वो अभिलेखों में शुभ्रदांगी थी और बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक हैं। सम्राट अशोक की अगर सिंहली साहित्य जो श्रीलंका के साहित्य है अगर उनके विश्वास किया जाए तो इनकी पत्नी का नाम वेदिस महादेवी था। देवी उनका नाम था, विदिशा की रहने वाली थी, इसलिए उनको वेदिस महादेवी कहा जाता था। और इन्हीं से इनको दो संतान हुई थी, पहले का पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा था। अभिलेखों में अशोक की पत्नी का नाम कारुवाकी मिलता है और कारुवाकी से ही इनको पुत्र तीवर की प्राप्ति हुई थी। तीवर इनके पुत्र थे जो कारुवाकी के गर्भ से पैदा हुए थे। अब सिंहली साहित्य दीप वंश और महावंश ये वर्णन करते हैं। इसके अलावा दिव्यावदान में भी ये वर्णन दिया गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजसत्ता प्राप्त किया था। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में, यहाँ पे मैं एक सिंबॉलिक मैप आप लोग को दे देता हूँ कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। उस समय अशोक उज्जैन के गवर्नर थे, यहां से इनको तक्षशिला भेजा जाता है। ये आते हैं और उस विद्रोह को दबाते हैं। उस विद्रोह को दबाने के बाद सम्राट अशोक की महत्वाकांक्षा जाग उठती है और भाइयों के साथ इनका उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। तो ये तो अतिरंजित प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि 99 भाई, इनकी माता का नाम शुभ्रदांगी था, एक माँ से 99 बच्चे वैसे भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था। और ये संघर्ष एक दो वर्षों तक नहीं बल्कि 4 वर्षों तक चला था, 273 BC से लेकर के 269 BC तक। और इसी आधार पर इनको चंड अशोक भी कहा जाता है। इनको एक अशोक क्रूर शासक के रूप में भी बताया जाता था। लेकिन आइए, पांचवा अभिलेख जो है अशोक का, उसमें इनके जीवित भाइयों के बारे में उल्लेख मिलता है। तो इस आधार पर हम नहीं कर सकते हैं कि इन्होंने अपने सारे भाइयों को मार दिया था, संघर्ष हुआ था। अब इनके राजा बनने के बाद, जब ये राजा 273 BC में बनते हैं, उसके 4 वर्षों तक उत्तराधिकार का संघर्ष होगा। 269 ईसा पूर्व में ये अपना राज्याभिषेक कराएंगे और इसके 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होगा। कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन में एक निर्णायक घटना थी। युद्ध का परिणाम अशोक को विजय तो मिलता है, परंतु इस युद्ध में कलिंग आज का उड़ीसा का क्षेत्र है, वर्तमान का उड़ीसा का क्षेत्र है। और इस युद्ध में अशोक के 1,00,000 सैनिक, अशोक के नहीं बल्कि इस युद्ध में दोनों तरफ से जो सैनिक मारे जाते हैं, 1,00,000 सैनिक मारे जाते हैं और 1,50,000 सैनिक घायल होते हैं। इतने व्यापक पैमाने पर जो नरसंहार होता है, इससे अशोक का हृदय द्रवित होता है। बार बार इनको ये प्रश्न झकझोरता है कि क्या युद्ध में केवल जो राजनैतिक रूप से विजय पाई जाती है, महानता का वही प्रतीक हो सकता है क्या? इनके सामने सिकंदर महान का पैरामीटर था कि सिकंदर के बारे में आपको पता होगा, इनसे लगभग 40-50 साल पहले 325 ईसा पूर्व में वो भारत से लौट गए थे। यूरोप से अनवरत युद्धों को जीतते हुए वो भारत तक आए थे और भारत के व्यास नदी से लौट गए थे। तो महानता का एक प्रतिमान माना गया था कि सिकंदर की तरह जो विजेता होगा उसको महान कहा जाएगा। लेकिन युद्ध भूमि में विधवाओं की चीखती जो पुकारे थी और जो घायल लोगों की अपने हृदय विदारक जो आवाजें थी, वो अशोक को अंदर तक झकझोर रही थी। और अशोक अंततः कहते हैं कि नहीं, लोगों की हत्याएं कर अपने प्यास की, अपने तलवार की कभी न बुझ सकने वाली प्यास से ही महानता का संदेश नहीं दिया जा सकता है, बल्कि लोगों के दिलों को जीत करके दुनिया को महानता का संदेश दिया जा सकता है। और यही पे सम्राट अशोक जो है
कली में विजय के पश्चात भेरी घोष की जगह पे युद्ध नीति का त्याग करेंगे और इसके जगह पे धम्म घोष की नीति का पालन करेंगे। कहेंगे आज के बाद जीवन में शस्त्र धारण नहीं करूंगा और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो अशोक की धम्म नीति को जानने के लिए जो हमारा मुख्य स्रोत है वो अभिलेख है, अशोक के अभिलेख है। डी आर भंडारकर महोदय ने अशोक की पूरी इतिहास को इनके अभिलेखों के आधार पर लिखा है। तो आइए थोड़ा सा इनके अभिलेख पे हम लोग चर्चा करते हैं। अभिलेख को तीन भागों में बांटा जाता है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख रॉक एडिक्ट, स्तंभ लेख पिलर एडिक्ट और गुहा लेख केव एडिक्ट। अशोक के अभिलेख की भाषा प्राकृत है, इसकी लिपि ब्राह्मी है, ग्रीक है, अरमाइक है और खरोष्ठी है। ध्यान से सुनिएगा, लिपि केवल ब्राह्मी नहीं है बल्कि इसके अलावा तीन और है, खरोष्ठी है, ग्रीक है और अरमाइक है। अशोक के अभिलेख को यह प्रश्न आपके आईएएस में आईफिल 2016 में पूछा गया था, किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने इन द ईयर ऑफ 1837 1837 में पढ़ा था। तो अशोक के अभिलेख बहुत तरीके की जानकारी देते हैं, जैसे अभिलेखों में इनको इनकी उपाधि देवानाम प्रिय प्रियदर्शी है, देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा। इसके अलावा अशोक का नाम इनके दो अभिलेखों में मिलता है, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में इनको अशोक वर्धन कहा गया है। तो बृहद शिलालेख अशोक के 13 हैं जो 12 स्थानों से पाए गए थे, जिसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, धौली जौगढ़ में पाए गए शिलालेख हैं या उसके अलावा अन्य स्थानों पे पाए गए जो शिलालेख हैं। स्तंभ लेख इनकी संख्या 7 है जो 6 स्थानों से पाए गए हैं, इसमें लौरिया नंदनगढ़, लौरिया राज और रामपुरवा के स्तंभ लेख प्रमुख माने जाते हैं। गुहा लेख बिहार के बराबर पहाड़ी के समीप जो है इनके आजीवक संप्रदाय को समर्पित कर्ण चौपड़ है, लोमस ऋषि है, विश्व झोपड़ी है, सुदामा गुफा है जो आजीवक संप्रदाय को समर्पित किया गया है। तो इन सारे अभिलेखों में इन्होंने धम्म का संदेश दिया हुआ है। ये पूछा, ये खुद प्रश्न करते हैं कि कियम चु धम्मम, धम्म क्या है, और उसके बाद ये खुद उसका उत्तर भी देते हैं और कहते हैं आपास इनमें बहु क्याने दया दाने सचे सोधवे माधवे साधवे च यम चू धम्मम। ये कहते हैं अधिक से अधिक लोगों का कल्याण करना, दया की भावना रखना, बड़ों का सम्मान करना। आगे भी अभिलेख में इन्होंने कहा हुआ है मातृ पितृ च शुश्रूषा, माता पिता की सेवा करना, गुरुवम च शुश्रूषा, गुरु का सम्मान करना, यही धम्म है। तो इस प्रकार से हम इनके धम्म को देखेंगे तो धम्म के बीच में जो मैसेज उसके पीछे छुपा हुआ है, जो एक संदेश छुपा हुआ है, वह प्रजा का नैतिक उत्थान करना। आपको पता है कि अशोक के साम्राज्य में वर्तमान भारत ही नहीं, आज का बांग्लादेश, आज का पाकिस्तान और आज का अफगानिस्तान था। तो इस इतने बृहद साम्राज्य में विभिन्न धर्म संप्रदाय और क्षेत्र के लोग निवास करते थे, तो साम्राज्य को अस्थायित्व तो देने के लिए भी एक नैतिक बंधनकारी किसी जो है विचारात्मक आधार का होना जरूरी था, जो धम्म के माध्यम से वो पूरा हो रहा था। तो चलिए, इस प्रकार अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए अपने जीवन के सारे संसाधनों को लगा दिया, अपने यहां तक कि पुत्र और पुत्री को भी, उसको कहते हैं कि धम्म के प्रचार में आप जाइए। नवीन अधिकारियों, पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजे रहते हैं, नवीन अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, जैसे धम्म महामात्र है, राजुक है, युक्त है, प्रादेशिक है। तो पूरा एक व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत अहिंसा का पाठ पढ़ाया और यहीं से जो इनका दिया हुआ संदेश था जियो और जीने दो, वो विश्व को एक संदेश गया और आज 21वीं शताब्दी की जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो भी आज इसी कॉन्सेप्ट पे ही गवर्न होती है कि यहाँ पे सबकी संप्रभुता का सम्मान किया जाए। तो ये हमारे अशोक हैं जिन्होंने अपने अहिंसात्मक, अपने धार्मिक दृष्टिकोण से महानता को उस समय में पुनर्परिभाषित किया। तो चलिए फिर किसी वीडियो के साथ आप लोग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।